आई थी दशहरा मेला, बीच में हुआ झमेला, हेलमेट नहीं लगाए थे, धोके साट दिया है, अजीजा जी का चलान पुलिस ने काट दिया है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को, मेरे पूरे भोजपुरिया भगवान स्वरूप जनता को, सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और खुश किस्मत इंसान इस धरती पर कोई भी नहीं होगा, और मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा आज के दिन पे, क्योंकि आज एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म विवाह उसका ट्रेलर आज लॉन्च किया गया यहाँ पर। लेकिन कल सुबह 7 बजे, यानी कि जब तक आप लोग इंटरव्यू देख रहे होंगे तब तक ये ट्रेलर आप सबके सामने आ चुका होगा। ट्रेलर यशी फिल्म्स, यशी म्यूज़िक में, यशी म्यूज़िक के द्वारा यूट्यूब पर लॉन्च किया जाएगा सुबह 7 बजे। तो ट्रेलर देखिए और कमेंट्स में बताइए कि फिल्म कैसी लगी आप, ट्रेलर कैसा लगा, क्योंकि फिल्म हमने बहुत प्रयास किया है, फिल्म को एक अलग लेवल पर, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है विवाह। पूरी इंडस्ट्री, पूरे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के हर वो शख्स तारीफ कर रहा है वो फिल्म देखकर, चूँकि वो फिल्म एक नई कहानी के साथ साथ, एक नए प्रेजेंटेशन के साथ, एक नई सोच के साथ बनी है सिनेमा। कि भोजपुरी को जो लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं एक आकर एक लिमिटेड हो गए हैं, हम लोग रुक गए हैं, वो लिमिटेशन का बैरियर तोड़ने के लिए हम लोगों ने इस सिनेमा का निर्माण किया है। और उम्मीद भी है कि इस सिनेमा से काफ़ी कुछ बदलाव होगा, काफ़ी कुछ नयापन आएगा। और जो जैसे जो हमारे जो वहाँ पे यूपी बिहार के जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बड़े घर के लोग हैं, वो लोग भोजपुरी सिनेमा देखना चाहते हैं लेकिन सिनेमा हॉल ना होने के कारण लोग नहीं देख पाते हैं। तो हमने इसीलिए इस बार पूरा हमारा प्रयास है कि हम लोग मल्टीप्लेक्सेस में सिनेमा को लगाएंगे, जैसा कि आईनॉक्स हो गए, पीवीआर हो गए, सिनेमैक्स हो गए, कार्निवल हो गए। तो हम सबसे बात चल रही है, जहाँ पर भी फिल्म लगे आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा फिल्म, क्योंकि ये फिल्म अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जो भी भोजपुरी से जुड़ा हुआ है उन सब के लिए लानत है, क्योंकि भोजपुरी के लिए ये फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी सोच जुड़ी हुई है इस सिनेमा के साथ। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ मेरी 3 फिल्मों की, तो 3 फिल्मों का आज शुभ मुहूर्त हुआ है, यानी कि शुभ आरंभ हुआ है। सबसे पहले तो सौतन, और उसके बाद अग्निपथ, और उसके बाद जो है एक जुग जुग जिया हो ललनवा, एक कमाल की इमोशनल कहानी। तीनों कहानी में, जैसा कि आप लोग पोस्टर में यहाँ पे जो आज जो पोस्टर लॉन्च किया गया है, आज तीनों में आपको अलग शेड, अलग लुक नज़र आ रहा होगा, एक अलग चिंटू नज़र आ रहा होगा। मेरी वही प्रयास होगी कि मैं हर बार कुछ नया करूं, जो 3 फिल्में शुरू की है। इन 3 फिल्मों के जो प्रोड्यूसर हैं, प्रदीप सिंह जी, प्रशांत उज्ज्वल जी, निशांत उज्ज्वल जी, निशांत जी बिहार के जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, साथ साथ बहुत बड़े पीआरओ रहे हैं, भोजपुरी के टॉप के पीआरओ रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रतीक, इसमें प्रतीक मेरा भाई है, प्रदीप जी का बेटा मेरा भाई, वो भी इसमें इन्वॉल्व, वो भी प्रोड्यूसर है। जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन 3 फिल्मों को जो प्रेजेंटर हैं, जो फाइनेंसर हैं, यशी फिल्म्स, यानी कि हमारे अभय सिन्हा जी, जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत बड़े नाम हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, तो हमारे जो प्रदीप सिंह जी, निशांत उज्ज्वल जी और हमारा भाई प्रतीक, तीनों जो तीन, मैं कहूँगा कि मेरे जो आपने जो नोट पर जो शेर के जो 4 मुँह देखे हैं, तो हम ये 4 जो मेरे जो स्तंभ है, जो अशोक के जो 4 स्तंभ हैं, वो हमारे अभय जी, प्रदीप जी, निशांत जी और हमारे प्रतीक भाई, 4 स्तंभों से ये सिनेमा बना है विवाह। और उसके अलावा अभी जो 3 फिल्म बन रही है ये भी, सौतन कुछ बहुत तगड़ा सा, एक जैसा कि सौतन नाम ही आप सबको दर्शा रहा होगा कि कैसे मेरी 2 बीवियाँ होने वाली हैं, और कैसे एक कमाल की लव स्टोरी के साथ साथ जो एक इमोशनल ट्रैक बहुत कमाल है उसमें। हमने इस पैटर्न पे बहुत सारी फिल्में देखी है, हमने के हिंदी में भी देखनी है जाए, हमने के भोजपुरी में भी देखनी है जाए, दू मेहरारू वाला, फिर आपस में मत भूटान होला, लेकिन ये फिल्म एक ऐसा समझ में आ रहा होगा कि 2 बीवियों वाला ही होगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ एक अलग जो कहानी है, जो ट्विस्ट है, वो बहुत कमाल का है और वो बहुत नया है। जब मैं कहानी सुन रहा था इसका, तो जैसे ही वो बात मुझे बताई गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैंने बोला यार कमाल का फिल्म है और ये फिल्म तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और उस फिल्म के चूँकि निर्देशक हैं मंजुल ठाकुर जी, जो कमाल के निर्देशक हैं, उन्होंने जो निर्देशन, जो अपने सिनेमा में जो निर्देशन उन्होंने किया है, उनके साथ मैंने 2 फिल्म की है, मेहंदी लगा के रखना 2, और उसके अलावा अभी जो आपने जिसका ट्रेलर दिखाया गया विवाह, तो दोनों फिल्में एक अपने आप में लाजवाब है। मेहंदी 2 की हर एक वो बंदा तारीफ़ करता है, हर एक बंदे के मुंह से मैं तारीफ़ सुनता हूँ, तो बहुत मज़ा भी आता है उनके साथ, मंजुल जी के साथ एक नया फ्लेवर लेकर आते हैं, देसी फ्लेवर, तो काफ़ी मज़ा होता है, मज़ेदार होता है उनके साथ। और चूँकि
उनसे मेरा बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, बहुत बॉन्डिंग है हम दोनों में। हम दोनों भाई जब भी सेट पर होते हैं तो कुछ अच्छा क्रिएटिव इनोवेटिव और बहुत मस्ती धमाल के साथ सिनेमा का निर्माण होता है। तो मैं होप करूंगा कि सौतन भी इसी पैटर्न पर उसी तरह एक खूबसूरत फिल्म बनाकर हम आप सबके सामने पेश करें। अग्निपथ एक बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ा नाम है। हिंदी में श्री अमिताभ बच्चन जी, श्री लीजेंडरी अमिताभ बच्चन जी के बाद फिर ऋतिक रोशन सर ने किया है, कमाल के परफॉर्मेंस किया गया। और जब इस टाइटल की बात आई और जब इस फिल्म के लिए जब मुझे चयन किया गया, जब मेरे पास प्रदीप जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो जब फिल्म लेकर आए कि ये फिल्म करना है, जब इसका जब जिक्र किया गया तो मेरे दिमाग में वो जो परफॉर्मेंस लेवल था उन लोगों का वो बहुत तगड़ा था। क्योंकि अग्निपथ के नाम के साथ साथ आपका जो सबसे बड़ा जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है वो परफॉर्मेंस वाली आती है कि आपको अपना स्टाइल में, अपने वेरिएशन में आप क्या बेहतर कर सकते हो कि आप उन लोगों से, बल्कि वो लोग तो कई लीजेंड्स हैं, उनके ऊपर आना या उनके बारे में सोचना बहुत अलग बात है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं इस फिल्म पर, इस कहानी पर खड़ा होता हूँ। और बहुत ही लाजवाब कहानी है, एक रफ कहानी और बहुत कमाल की कहानी है। जो रिवेंज ड्रामा है और जो एक्शन है इसका वो बेमिसाल है, कमाल है। ऐसी एक्शन और इतना ऐसी फिल्म अब तक भोजपुरी में नहीं आई होगी। तो अग्निपथ अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा टाइटल है। और उसके बाद मैं बात करूं जुग जुग जिया हो ललनवा, जुग जुग जिया हो ललनवा एक बहुत ही, एक अभी मैं ओपन नहीं करना चाहूँगा, एक नायाब कहानी है, एक नई कहानी है, एक नया किरदार निभाने जा रहा हूँ मैं। और उसके अलावा जो माँ बेटे की जो बहुत जो इमोशन है, हमने आज तक हर इमोशन देखे हैं अपने सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा हो चाहे हिंदी जगत का सिनेमा हो, कोई भी सिनेमा हो, इसमें जो इमोशन है वो हमारे भोजपुरी में पहले एक बहुत बड़ा गाना हिट था जो आज भी घर घर हर माँ अपने बच्चे के सुलाने के लिए या अपने बच्चे के लिए गाती है वो लोरी ज़रूर गाती है कि जुग जुग जिया हो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो कि ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। तो ये मैं भी सुनते आया हूँ अपने माँ से, बचपन से सुनते आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस टाइटल को लेकर मुझे स्पेशली, क्योंकि ये टाइटल बचपन से मुझसे जुड़ा रहा है, मेरे कानों में गूंजता रहा है, मेरे जहन में रहा है। जब जब मेरी मम्मी की या मेरी माँ की याद आती थी तो मुझे ये गाना हमेशा मेरे जहन में आता था। और मैं जब शूटिंग पर एक डेढ़ दो महीना जब कंटिन्यू बाहर रहता था तो मैं ये गाना ज़रूर सुन लेता था उनकी याद में। तो इसीलिए ये टाइटल बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है मेरे दिल से। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी तीनों फिल्मों पर खरा उतरूँ। जो हमारे जो डायरेक्टर हैं जुग जुग जिया हो ललनवा और अग्निपथ के पराग पाटिल जी, वो एक अलग स्टाइल की, एक अलग फ्लेवर का सिनेमा बनाते हैं। उनका मैंने फिल्में देखी है, उन्होंने अपनी फिल्में मुझे दिखाई है। और जब आए और ये कॉन्सेप्ट को लेकर आया तो मैंने बोला बिल्कुल करते हैं सर, क्योंकि नए स्टाइल की, नए वेरिएशन की और नए सिनेमा की, नए कहानी की बहुत ज़रूरत है हमारे भोजपुरी में। जो मैं पूरी तरह प्रयास कर रहा हूँ, जितना भी मेरी फिल्में आ रही है, जैसा कि अभी प्रेम गीत का ट्रेलर आया है, तो प्रेम गीत का ट्रेलर एक अलग एहसास, एक अलग एक्शन पैटर्न लेकर आया है। जितनी भी फिल्में करता हूँ कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर हो, कुछ नया हो और अच्छा हो। हाँ अजी, अभी देवी गीत एक आया है, बहुत हिट हो रहा है, लोग काफ़ी बजा रहे हैं। मैंने उसे अपने ही चैनल देसी धुन से लॉन्च किया है। पहला दो देवी गीत आया है, पहला वाला था गुड़ चुके गुड़ लागतानी मैया, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, उस पर टिकटॉक बनाए जा रहे हैं बहुत सारे। बहुत अच्छा लगता है जब आपको टिकटॉक पर, जब आप देखते हैं कि अपने गाने पर लोग टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप सब भी ज़रूर जितने भी आपको अच्छा लगे गाना सुनिए, बजाइए। माता का त्यौहार है, आप सबको फिर से सभी मेरे लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि अपने पास के पंडाल में, अपने घर में आपके भाई का, चिंटू का देवी गीत ज़रूर सुने, गोड़ छुके गोड़ लागतानी मैया। और साथ साथ आजकल जो हालांकि अभी जो जल्दी का जो मैटर है, चलान जो कट रहे हैं बहुत ज़्यादा सब पर, चलान जो कट रहे हैं और जिससे बहुत हमारी आम जनता ग्रसित भी है, उस मुद्दे पर भी गाना गाया हो कि जीजा जी का चलान काट दिया है, तो जाकर उस गाने को भी ज़रूर सुनिए, आप सबको बहुत पसंद आएगा। वो गाना है कि साली बोलती है, आई थी दशहरा मेला बीच में हुआ झमेला, हेलमेट नहीं लगाए थे धोके साट दिया है, अजीजा जी का चलान पुलिस ने काट दिया है। तो ये आप लोग ज़रूर सुने और वीडियो देखें, बहुत कमाल का वीडियो। और पहली बार हमारी भोजपुरी की क्वीन रानी चटर्जी जी उस देवी गीत में है मेरे साथ, साथ साथ नई सेंसेशन हमारी सोनालिका प्रसाद भी है उस गाने में। तो आप सब लोग ज़रूर देखिए, अपना प्यार और आशीर्वाद।
प्लैनेट भोजपुरी।